Hello friends, my name is Raghav Garg and I am from Lucknow. I am also a Rashtrapati Scout of Northern Railway Bharat Scouts and Guide. So, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि reef knot कैसे बनाई जाती है, ठीक है? Reef knot को कई अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे डॉक्टरी गांठ, पार्सल गांठ या चपटी गांठ, इसे कई सारे नाम हैं, ठीक है? तो मैं reef knot आपको शुरू करता हूँ। हमेशा ध्यान दीजिएगा, reef knot हमेशा दो समान मतलब एक जैसी दिखने वाली रस्सियों पे लगाया जाता है, ठीक है? एक जैसी रस्सियों पे ही reef knot का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, इफ़ आपकी रस्सी के एंड पे वीपिंग नहीं हुई है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें वीपिंग करना आपको सिखाया हुआ है। तो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके राइट हैंड में जो सिरा पकड़ा हुआ है वो कहलाता है चुस्त सिरा, जो आपके लेफ्ट हैंड में सिरा पकड़ा हुआ है वो कहलाता है सुस्त सिरा। आपके पूरे गांठ बनाने के बीच में सिर्फ और सिर्फ चुस्त सिरा ही काम में आएगा, सुस्त सिरे का कोई काम नहीं होगा, ठीक है? चुस्त सिरा और सुस्त सिरे को आप थ्रेड वीपिंग के कलर से पहचान सकते हैं कि जो मेरे राइट हैंड में सिरा है उसका कलर है पिंक, तो पिंक वाला हमारा चुस्त सिरा है। तो अब शुरू करते हैं। चुस्त सिरे को सुस्त सिरे के ऊपर रखना है, एक अंदर से एक लूप लगा के बाहर की तरफ आ जाना है। देन अब ये मत सोचिएगा कि पर्पल वाला अब मेरे राइट हैंड में आ गया तो ये चुस्त सिरा हो गया, नहीं। जो शुरुआत में चुस्त और सुस्त सिरे हो जाते हैं वही रहेंगे, ठीक है? तो मतलब ये हमारा सुस्त सिरा है और पिंक वाला हमारा चुस्त सिरा है। सुस्त सिरे को नीचे रखना है, चुस्त सिरे को इसके ऊपर रखना है और नीचे से पलट के फिर से ऊपर ले आना है, ठीक है? अब इसको खींच लेना है तो आपकी ये रीफ नॉट तैयार हो जाएगी। रीफ नॉट को चेक करने का, इस तरह से ये चलनी चाहिए, ठीक है? इस तरह से चलिए तो आपकी रीफ नॉट तैयार है। इसको कसाब देने के बाद दो रस्सियाँ आराम से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। इफ़ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इस पर मैं ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम डालता रहूँगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।